14 जून 2020, ये तारीख भी बॉलीवुड के लिए बेहद ही मनहूस बनकर आई है। जो जाने माने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को हमेशा हमेशा के लिए हमसे छीन ले गई। सुशांत के यूं चले जाने से उनके फैंस के साथ साथ तमाम बॉलीवुड स्टार्स भी शॉक में हैं और सोशल मीडिया पर तरह तरह के लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन वो जाते जाते अपनी बहुत सी यादें और ऐसे किस्से छोड़ गए हैं जो हमेशा सभी को याद रहने वाले हैं और उनके फैंस को इंस्पायर भी करते रहेंगे। आज इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसे ही सुशांत से जुड़े किस्से बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म पटना बिहार में हुआ था। उनके पिता सरकारी अधिकारी थे। उनका परिवार सन 2000 के शुरुआती दिनों में दिल्ली में बस गया था। उनकी 4 बहनें हैं जिसमें एक मीतू सिंह राज्य स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं। सुशांत की शुरुआती पढ़ाई सेंट केरेंस हाई स्कूल पटना से हुई थी और इसके आगे की पढ़ाई दिल्ली के कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से हुई है। इसके बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि सुशांत ने अपने करियर की शुरुआत बैकअप डांसर के रूप में की थी और उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड में भी कई बार डांस किया था। सुशांत ने अपनी एक्टिंग का हुनर सबसे पहले टीवी सीरियल्स में दिखाया। उनका पहला टीवी शो था किस देश में है मेरा दिल, जिसमें उन्होंने प्रीत जुनेजा का किरदार निभाया था। लेकिन एकता कपूर का टीवी शो पवित्र रिश्ता सुशांत सिंह के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद सुशांत डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा 2 और झलक दिखला जा 4 में भी दिखाई दिए थे। इसके बाद ही सुशांत ने फिल्मों का रुख किया। सुशांत ने अपनी फिल्मी पारी की शुरुआत की थी फिल्म काईपोछे से, जिसमें उनके साथ अमित साध और राजकुमार राव भी दिखाई दिए थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अभिषेक कपूर ने, जो साल 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म में सुशांत की एक्टिंग को बेहद सराहा गया और इसके बाद बॉलीवुड में उनके लिए और फिल्मों के रास्ते भी खुल गए। फिल्म इंडस्ट्री को सुशांत के रूप में एक नया और होनहार एक्टर भी मिल गया था। इसके बाद उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस, पीके, एमएस धोनी, राबता और केदारनाथ जैसी दमदार फिल्में भी की। सुशांत को आखिरी बार फिल्म छिछोरे में देखा गया था। फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। एक बैकग्राउंड डांसर से सुशांत का जो सफर शुरू हुआ था, उनके एक्टर बनने के साथ ही आज खत्म हो गया। अभी तो सुशांत ने इंडस्ट्री को ज्यादा फिल्में भी नहीं दी थी, लेकिन जो भी फिल्में दी उससे वो लोगों के दिलों पर एक ऐसी छाप छोड़ गए जो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगी।